आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। संविधान का 73वां संशोधन जो है वो पंचायत राज संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक स्थिति प्रदान करता है, सही बात है। तो इस उपबंध की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं वो हमें बतानी है और नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करें, है ना, यानी कि सही उत्तर हमें चुनना है। 1, 2, 3, 4 कथन हमें दिए गए हैं, कौन कौन से सही हैं ये हमें बताना है। विकल्प आपके पास में ये रहे ए, अ, प, स और ये दिया गया है द, ठीक है। एक एक करके देखते हैं बेटा। यहाँ पर कि सभी राज्यों में पंचायत राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है ना, उसके बारे में बोला गया है। और प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायत चुनाव बोले गए हैं। महिलाओं के लिए स्थान आरक्षण 33% से कम नहीं है और विकास जो योजनाओं को तैयार करने के लिए जिला योजना समितियों का गठन है। तो ये सारे के सारे थे बेटा। तो इसके अंदर से अगर मैं आपको बात बताऊं कि जो हमारा 73वां संविधान था बेटा, वो मेनली किसके लिए था, पंचायती राज से संबंधित था, जिसमें पंचायतों से संबंधित व्यवस्था का पूर्ण विधान किया गया था। और इसमें क्या था कि संविधान में जो भी ग्राम सभा बनेगी, उन ग्राम सभा में पंचायती राज की जो आधारभूत इकाइयां जो थी उनको स्थान मिलेगा, है ना। और साथ ही साथ पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी, जहां पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, है ना, और वो जिला स्तर पर जिला पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत ठीक है, जिले के लिए बोला गया था तो जिला पंचायत, है ना, पंचायत, ठीक है। और एक तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, अगर क्षेत्र पर जो ब्लॉक स्तर भी इन्होंने बनाया था, है ना, ब्लॉक स्तर। तो यानी कि ये वाला तो बेटा हमारा एकदम सत्य है। इसके अलावा प्रत्येक 5 वर्षों में ये होना जरूरी था क्या, तो जी नहीं बेटा, ये वाला बेटा हमारा गलत है। 5 वर्षों में पंचायती चुनाव का ऐसा कुछ नहीं था। महिलाओं के लिए स्थान आरक्षण 33% से कम नहीं, तो जी हाँ बेटा, ये वाला भी हमारा एकदम सही है। और साथ में है विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए जिला योजना समितियों का गठन किया गया, ये वाला भी बेटा हमारा एकदम सही है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक स्तर पर जो हमारे पंचायत के सदस्यों का चुनाव था वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा की जाने वाली व्यवस्था थी, है ना। और इसके लिए ही क्या, तो इसके लिए कोई समय फिक्स नहीं था कि यह 5 वर्षों में ही किया जाएगा, कुछ इस तरीके से था, ठीक है बेटा। अच्छा, और इसके लिए जो है प्रत्येक स्तर में अध्यक्षों में कुल पदों जो थे वो 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो है ना 1/3 भाग जो थे, यानी कि 33% से कम नहीं था, 1/3 था, है ना। 1/3 मतलब कितना हो गया, 33% हो गया कि नहीं हो गया, 1/3 मतलब 33%, ठीक है बेटा, ये थे। और इसके अलावा अधिनियम के कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया था, लेकिन यदि कार्यकाल पहले ही पंचायत भंग हो जाए तो 6 माह के भीतर चुनाव कराने की व्यवस्था भी थी, ठीक है। इसलिए ये वाला जो है जवाब गलत है, बाकी सारे सही है। इसका मतलब हमारा 1, 3 और 4 सही है, जो हमारा ब में दिखाई दे रहा है, बाकी ये सारे गलत है बेटा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।